हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे सुपर टेस्टी एंड डिलीशियस आलमंड कुकी। जी हाँ, जब तक आप लोग ये घर में नहीं बनाएंगे ना, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्या मिस कर रहे हो। तो डेफिनेटली ट्राई इट। और यहाँ पे मैंने फुल रेसिपी दे दिया है और मेजरमेंट जो है कैप्शन में रहेगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर। बटर को मैंने मेल्ट करके ले लिया है और इसमें मैं अभी ऐड करूँगी शुगर। ये नॉर्मल शुगर है, बस इसको हम लोग पाउडर बना के यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, और अभी इसको अच्छे से बीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कंडेंस मिल्क 1 चम्मच। ठीक है, इससे जो टेस्ट आता है ना, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ आलमंड फ्लावर। आलमंड फ्लावर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका रेसिपी मैं दे दूँगी। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मैदा। जी हाँ, उसको अच्छे से मिक्स करके डो बनाने के बाद इसको हम लोग क्लीन रैप से रैप करके आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। ये सेट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी इसको हम लोग नाइफ से कट कर लेंगे। ठीक है, शेप जो है अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा नहीं कि मैंने ये दिया है तो यही देना पड़ेगा। तो ऐसे कट करने के बाद हम लोग इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री में 15 टू 20 मिनट्स के लिए। आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैंने कुछ कुकीज़ को मैंने चॉकलेट में डिप किया है, कुछ नहीं किया है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, ऑप्शनल है। थैंक यू।